नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद और एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ हर बार की तरह आपके सामने अपने इस चैनल पर फिर से आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से पता करें कि कोई भी आधार कार्ड फर्जी है या नहीं, वो एग्जिस्ट करता है आधार कार्ड की वेबसाइट पर या नहीं। दोस्तों, दूसरी चीज आपको ये बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड करें। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है, बहुत पुराना है या टूट गया है और आपको अपने आधार कार्ड का नंबर पता है या आपका आधार कार्ड खो गया है, तो आपको साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने आधार कार्ड का नंबर पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाके आधार कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड करें। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं पर डे एक नई वीडियो लेकर के आता हूँ, खुद भी सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ। तो आइए ले चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर और दिखाते हैं किस तरीके से आधार कार्ड को चेक करते हैं एग्जिस्ट करता है या नहीं, और आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं, देखते रहिए टेक्निकल इरशाद है। तो दोस्तों, इसके लिए आगे मोबाइल की स्क्रीन पर और गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर सर्च बार में आधार कार्ड की वेबसाइट को डाल देंगे, UAIDAI, ठीक है, ये आधार कार्ड की वेबसाइट, इसको डाल देंगे। जो सबसे पहला वाला लिंक आएगा UAIDAI, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी भाषा को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा हो, सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना, कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे, आधार कार्ड अपडेट, गेट आधार कार्ड, आधार कार्ड सर्विसेज पे आपको क्लिक कर लेना है। आधार कार्ड सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद थोड़ो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, वेरीफाई आधार कार्ड, वेरीफाई आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। अब क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है और नीचे जाना है और नीचे जाना है और नीचे जाना है। कुछ इस तरीके के आपके सामने आप सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर चेक आधार कार्ड वैलिडिटी का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को डालना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है, आधार कार्ड का नंबर और सही कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको आ जाएगा आपके मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट नंबर और एग्जिस्ट करता है कि नहीं, साफ साफ लिख करके देखिए ऊपर आ जाएगा कि ये आधार कार्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फर्जी तो नहीं है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलिए आपको स्टेप बताते हैं डाउनलोड करने का। तो ब्राउज़र पर जाएंगे और आधार कार्ड की वेबसाइट डालेंगे, UAIDAI, पहला वाला लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। पहला वाला लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भाषा है वो अपनी भाषा को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हम भाषा यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल कर लेंगे, स्क्रॉल करके कुछ नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका आधार कार्ड आधार सर्विसेज, आधार सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको आएगा वेरीफाई आधार का, उस पर क्लिक कर लेना है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इस तरीके से दिखेंगे, स्क्रॉल करके यहाँ पर आ जाना है, डाउनलोड आधार पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड आधार पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे मांगेगा आधार कार्ड नंबर, अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है तो वो डाल दीजिए, वर्चुअल आईडी नंबर तो वो डाल दीजिए। तो मेरे पास आधार कार्ड नंबर है, जो कि मेरा पुराना आधार कार्ड था, मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और कैप्चा कोड डाल दिया है। तो कैप्चा कोड और आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे लिखा है सेंड OTP, सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा पहले आधार कार्ड वाली वेबसाइट पे, उस नंबर पे एक कोड जाएगा, उस OTP को इस वाले खाने में आपको डालना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वो खाना आ जाएगा, उस OTP को आपको वहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो वो OTP आपके नंबर पे जो आएगी, OTP में डालने के बाद वेरीफाई एंड दिख रहा है ना, वेरीफाई एंड डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है डाउनलोड हो चुका है। अब गो टू डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, गो टू डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि जो अपने आधार कार्ड डाउनलोड किया है किस फॉर्म में आप देखना चाहते हैं, PDF में या जिस भी फॉर्म में देखना चाहते हैं। मैं मोर पे क्लिक कर देता हूँ तो
जैसे क्लिक करूंगा तो वो आपसे एक प्रोटेक्टेड कोड पूछेगा, वो प्रोटेक्टेड कोड आपका नाम, 4 कैरेक्टर का नाम, 4 कैरेक्टर आप नेम में 4 कैरेक्टर और आपका डेट ऑफ बर्थ 4 कैरेक्टर, यानी टोटल 8 कैरेक्टर आपको यहाँ पर डालना होगा। अपने नाम का 4 कैरेक्टर और डेट ऑफ बर्थ यानी 8 कैरेक्टर, आपका आधार कार्ड शो हो जाएगा।